हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, तो हर जगह प्रोग्राम्स वगैरह इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसी इवेंट में मैं आज आया हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसा इवेंट होने वाला है। दिवाली फेस्टिवल है और स्कूल का इवेंट है ये, और काफ़ी सारे इसमें स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी गेम्स वगैरह लगा के, और काफ़ी सारे स्टॉल हैं, गेम्स नहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके साथ ही ये अपना ऑर्गेनाइज़ वगैरह किया गया है। तो हमारे साथ में हमारे ये भाई भी आए हैं, तो ये भी साथ में है। तो अभी हमारा जो है यहाँ पे वीआर का सेटअप है, अपनी एयर हॉकी लगी हुई है और अपनी टॉय कैचर है, और इसके अलावा भी क्या क्या है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, किस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरीके का ये पूरा ग्राउंड है। ये स्कूल का ही वैसे ग्राउंड है, और ये स्कूल का नाम है लैंसर कॉन्वेंट स्कूल है ये, जो कि है ना इस लोकेशन में है। तो यहाँ पर सारा ये देखिए इस तरीके से गेम्स वगैरह लगी हुई है। तो ये अपनी एयर हॉकी है, जो कि ये देखिए इस तरीके से एयर हॉकी है। और अगर मैं और दिखाऊं तो ये अपनी क्लो मशीन है, और जो वीआर का सेटअप है वो यहाँ पे अभी लगने वाला है, यहाँ पे इंस्टॉल अभी करेंगे क्योंकि अभी स्टार्ट होगा ये, है ना। और थोड़ा रात का प्रोग्राम है, शाम का है ये। ये देखिए इस तरीके से अपना सारा सेटअप वगैरह लगा रहे हैं, ये देखिए। और यह स्टॉल अगर मैं बाहर जा कर दिखाता हूँ, इस तरीके से सारे स्टॉल्स हैं ये देखिए, ये सारे स्टॉल्स हैं, सब के अपने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। स्टॉल नंबर जिस तरीके से कोई 8 है, है ना, यहाँ पे 8 नंबर पे अपना वीआर लगा हुआ है, और उसके साथ ही ये देखिए गेम्स का जो स्टॉल है यहाँ पे है एयर हॉकी, और यहाँ पे इस तरीके से तो यहाँ पे जो है अभी वीआर को सेट कर दिया, तो एक बार ये चेक कर रहे हैं। और उसमें भी हमने गेम जो लगाई है वो है रश ऑफ ब्लड, है ना, इस तरीके से यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे है ये सारे एयर हॉकी वगैरह वैसे स्टार्ट हो चुकी है, स्टूडेंट्स वगैरह सारे आ चुके हैं, और सारा मतलब खेलना सबने स्टार्ट कर दिया है, है ना। ये देखो एयर हॉकी है, और अभी और आगे दिखाता हूँ मैं, जैसे कि वहाँ पे सामने का क्लो मशीन है, और सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे, सब ने अपनी अपनी गेम्स वगैरह यहाँ पे लगवाई हुई है ना, सभी सब खिलवा रहे हैं यहाँ पे सभी। देखो काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। तो ये है क्लो मशीन, और उसमें टॉयज वगैरह जो है अभी डाले हैं, और उसके साथ ही अगर आप देख रहे हो, है ना, इसको पहले सेट कर देते हैं यहाँ पे, सिम में सेट कर दिया भाई ने। और ये देखो यहाँ पे सारे टॉयज वगैरह हैं, और इसके साथ में अगर देखो तो बैलून्स वाली गेम है, इसमें शूटिंग होगी, बैलून को मतलब टारगेट किया जाएगा इस तरीके से है। और सभी वैसे गेम जो है इसमें जैसे बैलून शूट करेंगे तो प्राइस वगैरह भी रखे हुए हैं, वो भी आगे देखते हैं जैसे बच्चे खेलेंगे, तो मैं आपको फिर आगे दिखाऊँगा किस तरीके से है। ये सारी जैसे ये ग्लास वाली गेम है, तो मतलब नंबर वगैरह जो भी है इसमें मैच वगैरह करना होगा, और जो जीतेगा विन होगा उसमें प्राइज़ वगैरह मिलेंगे। और सामने देखो जैसे ये पुश बॉल है, और उसके साथ ही यहाँ बच्चे जो खेल रहे हैं ये है अपने टारगेट में, ऐसे जो है अपनी देखो ग्लास में टारगेट दिया हुआ है, उसमें जो चुकंचे हैं वही डाल रहे हैं, और जिनके नंबर आएंगे उनको प्राइज़ वगैरह मिलेगा, जो भी प्राइज़ यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से है। ये देखो ना, ये सारे नंबर्स वगैरह में कंचे से इस तरीके से आएंगे, ये बोर्ड है। अभी जो है इवेंट पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, और अभी रात भी हो गई है, शायद कम दिखे लेकिन कोई नहीं, देखते हैं जो जितना अच्छा होगा उतना मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखो सारा प्रोग्राम इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, और काफ़ी सारी लाइटिंग वगैरह है यहाँ पे, और ये देखो सारा नज़ारा है यहाँ का इस तरीके का। तो अभी आगे चल के मैं आपको वो दूसरे वाले झूले भी दिखाता हूँ जो वहाँ पे झूले लगे हुए हैं, वो देखो आगे मिक्की माउस जैसे लगा हुआ है ना, इसमें देखो बच्चे जो आ रहे हैं, जो बैलून है इसके अंदर ये बच्चे वगैरह है। पास चलते हैं, पास चल के दिखाता हूँ किस तरीके का है ये। तो ये अंदर ये छोटे बच्चे हैं, ये फुल मजे कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से है। देखो कैसे आगे पुश कर रहे हैं, तो इस तरीके की भी है, और भी दिखाता हूँ, काफ़ी सारे गेम्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी मतलब हर कोई यहाँ पे अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है। ये देखो सामने राइड्स वगैरह हैं अपनी, देखो प्लेन वाली राइड है जो वैसे मेले वगैरह में लगी होती है, वो सब भी यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है, और सब पे ये देखो इस तरीके से है ये, है ना। और यहाँ पे ये देखो इस तरीके से ही है, और यहाँ पे ये देखो मिक्की माउस है, ये मिक्की माउस भी काफ़ी मतलब यहाँ पे सारे बच्चे जो छोटे बच्चों के लिए है। और ये सामने अब वो है अपनी वाटर वाली बोट राइडिंग, तो अभी आ रहे हैं सारे धीरे धीरे करके, गेस्ट आ ही रहे हैं जितने भी हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट्स ही हैं वैसे ज़्यादातर, है ना, बाहर का कोई अलाउ नहीं है। स्टूडेंट जितने भी स्कूल के हैं वो अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ यहाँ पर अंदर आना अलाउ है, बाहर का वैसे नॉर्मल जो है वो नहीं आ सकते, तो स्कूल वालों ने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पर ये देखो सारे, और ये सारा दिवाली का जो फेस्टिवल है उसी के मतलब 3 दिन का प्रोग्राम है, उसी के ऊपर ही स्कूल वालों ने यहाँ पे इसको क्या नाम है, एक तरीके से मेला कह सकते हैं, वो अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज़ करवाया है। और काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे बच्चों को एक
दिया गया है कि किस तरीके से बच्चे अपना खुद की मतलब स्टॉल दिए गए हैं, और वहाँ पे बच्चों को अपना बिजनेस के तरीके का एक बताया हुआ है कि वहाँ पर अपने वो लगा के गेम्स वगैरह कुछ भी लगा के एक अपना इनकम मतलब इनकम का जो सोर्स है वो बनाना सीखें। तो ये रहा परफॉर्मिंग स्टेज, यहाँ पे बच्चे वगैरह अपना परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं, डांस वगैरह कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, देखो इस तरीके से यहाँ पे अपना परफॉर्म वगैरह करेंगे, और यहाँ पे देखो इस तरीके से बच्चे आ रहे हैं ये, और यहाँ पे जो है अपना ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरीके का भी है यहाँ पे। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के। तो यहाँ से जो सारे पेरेंट्स वगैरह हैं जो स्टूडेंट्स के साथ में आए हुए हैं वो यहाँ से सारा बैठ के अब बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह देख रहे हैं, और ये देखो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो अब वापस चलते हैं अपने स्टॉल की तरफ, और जहाँ पे गेम्स वगैरह लगी हुई है वहीं पर चल के मैं दिखाता हूँ और कैसे कैसे गेम्स वगैरह चल रही है, बच्चे किस तरीके से गेम्स वगैरह वहाँ पे खेल के इंजॉय कर रहे हैं। तो देखो ये अभी ये देखो इस तरीके से ये नज़ारा है, थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह है, काफ़ी अच्छा मतलब किया हुआ है ऑर्गेनाइज स्कूल वालों ने। तो ये देखो इस तरीके से है, और अब आगे चलते हैं और भी दिखाता हूँ क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है। और सामने मेरे देख रहे हो करेक्टर्स भी हैं यहाँ पे, तो अभी एक करेक्टर है जो बैलून वगैरह जो बच्चों को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे लाइट जो है पूरी गुल हो चुकी है, लाइट अचानक से चली गई है, और देखो हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो चुका है, सिर्फ ये थोड़ी बहुत लाइट जो है मोबाइल्स की, और ये आ चुकी है लाइट, ये देखो आ गई लाइट, अभी लाइट चली गई थी और अब लाइट आ गई है ना, अभी हो सकता है कुछ फॉल्ट हो गया हो इलेक्ट्रिक का, तो अभी 2-3 सेकंड के लिए लाइट गई थी और अभी आ चुकी है लाइट। सही चल रही है अभी भाई, कोई फंक्शन कर लो, कुछ जाके प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे अपना पार्टिसिपेट वगैरह कर लो। तो यहाँ पे गॉड नोज पार्टी चल रही है और अभी थोड़ी देर में ख़त्म भी होने वाली है, तो लोग को भी यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर जो नेक्स्ट इवेंट में जाएंगे वहीं पर ही जाके मैं आपको दूसरे इवेंट में दिखाता हूँ कैसे सब इंटरटेनमेंट करते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही है, तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल गेम वाले ब्लॉग।